आग के तांडव की ये तस्वीरें हैं नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में बनी प्लास्टिक फैक्ट्री की, जहां अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। 3 मंजिला फैक्ट्री धू धू कर जल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया और कूलिंग शुरू की। लेकिन इस बीच अचानक से फैक्ट्री में किसी चीज में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट से कूलिंग करने वाले दमकल के 3 जवान इंजर्ड हो गए। तीनों को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि इस मामले में गनीमत की बात यही रही कि शनिवार होने की वजह से फैक्ट्री बंद थी और कर्मचारी छुट्टी पर थे। 7:30 बजे के करीब सूचना मिली और आग पर हमने तुरंत काबू पाने की कोशिश की। मीडियम फायर की गई, कम से कम 30 गाड़ियां काम कर रही हैं बाहर। क्या कारण है सर? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगती है आग। आज शनिवार है, शनिवार को शॉर्ट सर्किट से आग लगती। तो सर ऐसा है नहीं कि शनिवार को ही ज़्यादा आग क्यों लगती है? हाँ, हर शनिवार को लगती है हर फैक्ट्री में। तो ये क्या कोई इसका कारण पता लगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक बंद होने के कारण फैक्ट्रियाँ बंद होती है तो आग लग जाती है। ब्लास्ट किस चीज में हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन 3 मंजिलों पर आग लगने के कारण पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर हो गई है। किसी भी वक्त पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। फिलहाल आग को कंट्रोल कर लिया गया है और कूलिंग का काम जारी है। पहले नज़र में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। वहीं कूलिंग करने के बाद जांच होगी, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग किस वजह से लगी। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।